हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फिकर, जुल्फिकर बाड़हाउस चैनल का तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, फिर मिले हैं इसी वीडियो में एक शानदार नया टॉपिक के साथ। आज दिखाएंगे जावा का बिल्डिंग सेटअप से जो मटकी बाहर कर दिया था, पिछला वीडियो में देखा था क्यों बाहर किया था। 3-4 बार बीट करने से उसका अंदर क्या होता है, पॉटी जम जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। और उसके साथ साथ वो जो बच्चा जो निकलता है अंडा से, अंडा का जो छिलका है वो भी अंदर रह जाता है, इसलिए बहुत गंदा हो जाता है। और उसमें क्या होता है, हम लोग जो पीने का जो पानी देता है केज का अंदर, वो पानी अगर गिर जाए उसी से क्या होता है, कीड़े आता है। वो कीड़े भी देखो मटकी का अंदर जब रहेगा ना तो उसमें बर्ड्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको सब बाहर कर दिया था। अभी देखो उसको साफ सुथरा करके कम से कम 15 दिन मैंने इसको धूप में रखा है। अभी उसको क्या करना है, अभी देखिए इसे नारियल का छपड़ा, हर मट्टी के अंदर देखो नारियल का छपड़ा से उसका अच्छा से घर बना रहा है, क्योंकि क्योंकि देखिए इसमें अंडा देगा। देखिए नारियल का छपड़ा कैसा दे रहा है, इधर देखो ऐसा नारियल का छपड़ा से, हर मटकी का अंदर नारियल का छपड़ा से उसका घर बनाना है। इसी के अंदर देखिए कितना अच्छा से दे रहा है, वो देखिए इसका अंदर अंडा देगा, बच्चा भी उठाएगा। देखिए अच्छा से साफ सुथरा कर दिया, इधर देखो नारियल का छपड़ा कैसा दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मटकी में मैं भी लगाता है, लगा के दिखा रहा है प्रैक्टिकली कैसे लगाता है। इन लोगों ने तो लगा रहा है, आइए दिखाते हैं। थोड़ा कैमरा सामने लेके आओ, नारियल का छपड़ा को ऐसे ले लेना, इसका अंदर जो मोटा मोटा रहता है ऐसा वाला, ये देखिए ये सब निकाल देने का, ठीक है। क्योंकि देखिए अंडा हीट करना है बहुत शौकीन से, तब सही से बच्चा निकलेगा, नहीं तो अंडा फॉल्स हो जाता है। ऐसे करके नारियल का छपड़ा, ये देखिए ये तो मैंने एक दे दिया है, लेकिन इधर देखिए इधर साइड में थोड़ा गैप है, एक गैप को थोड़ा इधर थोड़ा देखिए, इधर जो मुंह है ना, इधर जो होल है इधर से जाएगा, चिड़िया अंदर घुसते हैं बाहर आते हैं। ये देखिए ये मोटा वाला जो निकाल देना, क्योंकि देखिए ये अंदर रहेगा ना तो अंडा सही से वो हिट नहीं कर पाएगा, अंडा फॉल्स हो जाता है, इसलिए सही से पूरा शौकीन से करना है, थोड़ा अच्छा से करना है। और इधर जो होल है इधर थोड़ा ऊंचा करने का, इधर थोड़ा ज्यादा देने का, क्योंकि वो तो इसी से अंदर जाएगा और बाहर आएगा, इसलिए थोड़ा इधर ऊंचा करना है उसके लिए, इधर थोड़ा ऊंचा करने का। ये देखो अच्छा से थोड़ा उसका घर बना देने का, क्योंकि इसके अंदर वो अंडा देगा और चिक्स भी निकलेगा इससे, इससे अच्छा से। ऐसे करके फ्रेंड्स सारे मटकी में ऐसे करके नारियल का छपड़ा से उसका घर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये होल देखिए, इधर से पूरा होल का बूह से देखिए अच्छा से करके पूरा नारियल का छपड़ा दिया, और देखिए अंदर ऐसे बीच में देखिए पूरा गड्ढा कर देने का, क्योंकि 5-6 करके अंडा देता है, अंडा सारे एक ही जगह में, एक ही जगह में पूरा गोल होके एक ही जगह में रहे, क्योंकि अंडा सही से वो हिट दे पाए। अगर गड्ढा ना रहे तो चारों तरफ अंडा फैल जाता है, इसलिए अंडा फॉल्स हो जाता है। इसलिए ना ये मटकी का अंदर जब कोई नारियल का छोपड़ा, कोई खेजूर का पत्ता देता है, कोई दूसरा कोई घास डालता है, लेकिन घर अच्छा से बनाने का और वो मटकी का अंदर थोड़ा गड्ढा कर देने का, क्योंकि अंडा एक ही जगह जम के रहे, पूरा एक साथ एक कट्टा होके एक ही साथ रहे, तब उसको हिट देने में अच्छा रहे, तब उसमें अंडा में सारे अंडा में ब्लाट आ जाता है। अगर कोई अंडा इधर चला गया उधर चला गया वो परेशानी होगा, कभी इधर को खींच के ला के एक जगह कर रहा है फिर देखो दूसरा जगह भाग जा रहा है, इसलिए गड्ढा कर देना अच्छा ही है, तब अंडा सही से वो हिट कर पाएंगे। तो फिर आज सारे मटकी को ऐसे नारियल का छोपड़ा लगाएंगे, लगाने का बाद फिर जब उधर डालेंगे दूसरा वीडियो में दिखाएंगे कैसा डालना है कैसा लगाना है, वो लगाने का टाइम में फिर दिखाएंगे। हाँ फिर सारे मिलके हम लोग देखिए सब मिलके लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आज तो लगा के रखेंगे खाली, फिर नेक्स्ट टाइम जब केज का अंदर डालेंगे उसी दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसा लगाना है। ये जो होल देख रहा है ना इसका साइड में भी एक मतलब लकड़ी से दार देना पड़ेगा, उस दार में बैठेगा फिर इसका अंदर जाएंगे, तब उसके लिए आसान रहेगा होल से उसका
मटकी का अंदर जाने के लिए लगाने का प्रोसेस अभी बता दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कैसे लगाएगा उसी टाइम बता दिया, लकड़ी कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ लगाता है, क्या करता है उसी टाइम दिखाएंगे। तो आज तो खाली मटकी लगा रहा है, आज तो मटकी के अंदर खाली छोपड़ा लगा रहा है, नारियल का छोपड़ा। बहुत सारे फ्रेंड्स में क्या करता है, खेजूर का पत्ता डालता है। खेजूर का पत्ता को, कच्चा वाला पत्ता को पहले धूप से सुखा लेते हैं, सुखाने का बाद उसके अंदर डाल देते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स में क्या करता है ना, ऐसे दे देता है केस का अंदर, वो खुद बनाता है। उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, और हम खुद बना के देंगे तो उसके लिए थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा जो करने पड़ता है तो वो खुद कर लेता है। हाँ हाँ, जो रह जाता है वो मन कर रहे थे, उसका मन पसंद हो, उसका मन पसंद वो कर लेते हैं। देखिए बाकी इधर अगर हो गया ना, सारी तरह हो गया ना, तो देखिए ये मक्की का अगर सारी तरह हो गया है, ऐसे मिल जाए, नारियल का जैसे छिपड़ा है ना, ऐसे मिल जाए। हाँ, वो एक साथ रह जाएगा ना, पूरा घर का तरफ होगा। बीज में सबसे अच्छे होंगे, एक बीज में अगर ऐसे ऐसे रख देना और पूरा प्रेशर दे दे तो अपना आप होल बढ़ जाता है, और सबसे बेहतरीन होते उसके लिए। देखिए उसमें उतना कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए हाँ, एक जैसे ना वो मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे एक जैसे बहुत अच्छे से बन जाता है। देखिए देखिए, हाँ ऐसे बन जाता है, पूरा एक ही जैसे होता है, एक जैसे पेन हो जाता है, तो वो इसके लिए सही होता है। इसके लिए इधर करता है, इधर अंदर में हो जाता है, अगर अंदर देते हैं तो एक ही जगह पर अंदर देता है, वो फैटल होने में भी सुविधा होता है, अच्छा से फटल होता है, अच्छा से क्या होता है वो अंडा हीट हो जाता है, सब में ब्लड आता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, अंडा फॉल्स हो जाता है, ज़्यादा करके अंडा फॉल्स होता है। दादा एक मटकी दीजिए ना। तो फ्रेंड्स अभी तो बहुत मटकी में लगा दिया, और भी बाकी है, तो जो सब लगा दिया एक ही जगह में, हम लोग एक इकट्ठा कर दे रहा है, ये सब लगा हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से घर बनाया इसका। उसके लिए आसान रहेगा, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपना घर बनाने के लिए, अंडा देने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऐसे भी टाइम भी कम लगता है उसके लिए। ये पूरा एक जगह में हम लोग रेडी करके फिर लगाने का टाइम में नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे लगाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी जावा का मटकी के अंदर नारियल का छोपड़ा कैसा लगाना है वो दिखा दिया, तो सारे का तो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, कम से कम तो 3-4 घंटा लगेगा, तो इसलिए जो दिखाना था वो दिखा दिया कैसा लगा रहा है, तो वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, अभी मेरे को दूसरा काम में भी निकलना है, तो इसलिए चलिए फ्रेंड्स जो बाकी है इन लोगों को करने दीजिए, देर ना करते हैं, आज का वीडियो यही खत्म कर रहा है। खत्म करने से पहले मेरे एक हार्दिक विनती है, मेरे इसी चैनल में जिन्होंने नया है और उसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक भी कीजिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, अपना अपना साथियों के पास शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में जावा का ब्रीडिंग सेटअप में मटकी लगाने का सही तरीका लेकर। तब तक के लिए अपना अपना परिवार का साथ सही सलामत से रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद।